हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली की शेप यहां पर नजर आ रही है, काफी स्क्वायरिश शेप में इनकी हथेली, जो हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को शो करती है। और फिंगर्स की लेंथ भी यहां पर काफी अच्छी है, थोड़ी एनालिटिक टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी। फिंगर्स के बीच में यहां पर काफी सारे गैप्स नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के गैप्स यहां पर इनके फिंगर्स के बीच में, जो थोड़े जिद्दी स्वभाव को और इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर को शो करते हैं। और फिंगर्स थोड़ी गांठदार हैं यहाँ पर, जो शो करती हैं स्पष्टवादी नेचर को। ऐसे व्यक्ति दिल में कोई बात नहीं रखते, जो भी किसी को कहना होता है बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देते हैं। और अगर हम लेंथ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स की जो लेंथ है उसमें सूर्य फिंगर की लेंथ काफी अच्छी है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रिएटिविटी इनके अंदर काफी अच्छी रहेगी और काफी अच्छा सोशल सर्कल भी इनका रहने वाला है। और यहां पर चेक की जाए इनकी बृहस्पति फिंगर, तो यह भी साइज में कम नहीं है, काफी अच्छी लंबाई में और बिल्कुल स्ट्रेट बृहस्पति फिंगर यहां पर अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज इनको दे रही हैं। आगे देखते हैं शनि फिंगर को, तो शनि फिंगर में मुझे कोई फ्लॉ नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल स्ट्रेट और काफी अच्छी लंबाई में, हार्डवर्किंग टाइप की नेचर यहां पर इनकी बनती हुई। और अगर देखा जाए इनकी मर्करी फिंगर को, तो थोड़ी शॉर्ट होती हुई मर्करी फिंगर यहां पर, थोड़ी सी टिल्टेड है यहां पर मर्करी फिंगर इनकी। कम्युनिकेशन स्किल्स यहां पर एवरेज लेवल के रहने वाले हैं, क्योंकि मर्करी यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर नहीं आ रही, लेकिन माउंट मर्करी माउंट यहां पर काफी अच्छा नजर आ रहा है। फिंगर थोड़ी सी वीक होती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए आगे देखते हैं इनके माउंट्स को, और उसके बाद हम चेक करेंगे लाइंस को भी। और यहां पर अगर एक लाइन मैं ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं एक अच्छा आर्च बन रहा है। कोई भी माउंट मुझे यहां पर लो सेट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, माउंट्स की पोजीशन यहां पर काफी अच्छी है। और खासतौर पर बृहस्पति माउंट को देखा जाए तो काफी उभरा हुआ बृहस्पति माउंट मुझे यहां पर नजर आ रहा है, कुछ इस तरह से जो यह एरिया है बृहस्पति माउंट का ऊपर की तरफ उभरा हुआ, जो फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों को यहां पर शो करता है। ऐसे व्यक्ति नॉलेज में भी काफी अच्छे रहते हैं, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होती है जिनका बृहस्पति माउंट उभरा हुआ हो, और काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। चलिए आगे देखते हैं यहां पर इनके शनि माउंट को, तो आप देख सकते हैं शनि माउंट यहां पर थोड़ा सा फ्लैट है, जिस वजह से काफी हार्ड वर्क इन्हें करना पड़ेगा लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। यहां पर स्ट्रांग शनि रेखा का होना जरूरी है और एक अच्छे शनि पर्वत का, तो शनि माउंट यहां पर एवरेज है लेकिन शनि रेखा यहां पर काफी स्ट्रांग है। आप देख सकते हैं शनि रेखा को, आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा, कुछ इस एरिया से शनि रेखा यहां पर शुरू होती हुई और लगभग यहां तक पहुंचती है, और ऊपर की तरफ ब्रांचेस भी इसमें से निकल रही हैं। यहां पर शनि रेखा स्ट्रांग है और लगभग 55 के आसपास, 56 के आसपास की एज तक यह रेखा चलती हुई, जो एक अच्छी प्रोग्रेस को शो करती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी शनि रेखा स्ट्रांग हो, ऐसे व्यक्ति लाइफ में काफी कुछ अचीव कर जाते हैं और भाग्य उनका साथ देता है, क्योंकि इसी रेखा को हम भाग्य रेखा भी कहते हैं। और साथ ही साथ इसी रेखा से मिलने बनने वाला ट्रायंगल भी यहां पर बन रहा है, थोड़ा सा वीक हो रहा ट्रायंगल, लेकिन एक अच्छा ट्रायंगल बनने की वजह से ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी भी नहीं रहती। यहां पर आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में थोड़ी सी कमी नजर आ रही है, जो कंप्लीटली यह लाइन ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही और थोड़ी ओवरलैपिंग है, अदरवाइज एक अच्छे ट्रायंगल की फॉर्मेशन यहां पर होना धन को शो करता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं रहती, धीरे धीरे कर ऐसा व्यक्ति अपने पास काफी धन इकट्ठा कर लेता है। सूर्य माउंट की बात करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं सूर्य माउंट के ऊपर काफी अच्छी रेखा नजर आ रही है, सूर्य लाइन नजर आ रही है, जो कि स्ट्रांग है, गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले बेनिफिट्स को शो करती है, लेकिन ये बेनिफिट्स
यहाँ पर ओल्ड एज में चलकर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सूर्य माउंट भी यहाँ पर अच्छा है, उभरा हुआ है सूर्य माउंट, और एक अच्छी सूर्य रेखा यहाँ पर बनती हुई। अगर यह और भी लंबाई में हो, ऐसी रेखा कुछ इस तरह की लंबाई में हो, तो और भी अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। लेकिन इस साइज की सूर्य रेखा का होना भी व्यक्ति को काफी अच्छी अचीवमेंट्स दिलवाता है। आगे देख सकते हैं आप, इनके हाथ में मरकरी माउंट को थोड़ा सा लो सेट होता हुआ, और यहाँ पर मरकरी रेखा मौजूद है, कुछ इस तरह की मरकरी रेखा यहाँ पर, यहां से शुरू होकर कंप्लीटली इस लेवल से ऊपर की तरफ थोड़ी सी ओवरलैप होकर बढ़ती हुई। यहां पर मरकरी रेखा का वीक होना हेल्थ इश्यूज को भी रिप्रेजेंट करता है। खासतौर पर मरकरी रेखा जब भी कमजोर होती है तो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है। अदरवाइज यहाँ पर मरकरी माउंट पर कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है, अच्छा बिजनेस एक्यूमन भी व्यक्ति का रहता है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर इनकी लाइन ऑफ हार्ट को, हार्ट की लाइन में यहाँ पर मुझे आइलैंड की फॉर्मेशन होती नजर आ रही है, कंप्लीट तो नहीं लेकिन फिर भी इस हार्ट लाइन को यह वीक कर रही है। लगभग 60 के आसपास की एज में चलकर यह आइलैंड इन्हें हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स दे सकता है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कुछ वीकनेस हार्ट की लाइन में, यहाँ पर भी तो हार्ट की लाइन में कुछ वीकनेसेस का होना यहाँ पर शो करता है कि हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें लाइफ में आ सकती हैं, और ऐसे व्यक्ति को अपने हार्ट की हेल्थ का खास ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम लाइन की फॉर्मेशन देखें तो यह बृहस्पति माउंट तक पहुंच रही है। ऐसे व्यक्ति काफी लॉयल एंड ऑनेस्ट होते हैं जिनकी हार्ट की रेखा आगे बढ़कर बृहस्पति माउंट तक पहुंच जाए, लेकिन यहाँ पर यह रेखा नीचे की तरफ झुकती हुई भी नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के अंदर अग्रेशन काफी ज्यादा रहता है। थोड़ी अग्रेसिव टाइप की पर्सनैलिटी रहने के चांसेस हैं। हार्ट की हेल्थ ओल्ड एज में चलकर इन्हें थोड़ा परेशान कर सकती है। अदरवाइज यहाँ पर हार्ट की लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है, तो बहुत ज्यादा इमोशंस भी इनके अंदर नहीं रहने वाले। आगे देखते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड को, यहाँ पर आप देख सकते हैं माइंड की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई दिखाई दे रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा यहाँ पर माइंड की लाइन को, कुछ इस तरह की माइंड की लाइन यहाँ पर थोड़ा सा ओवरलैप होती हुई। और अगर यह बचपन का एरिया देखा जाए तो थोड़ी सी टफ लाइफ नजर आ रही है, फैमिली की तरफ से कुछ दिक्कतें इन्हें हो सकती हैं, लेकिन आगे अगर देखा जाए तो यंग एज के बाद इनकी लाइफ लाइन भी स्ट्रांग होती नजर आ रही है और माइंड की लाइन भी। तो जैसे ही यह इंडिपेंडेंट होंगे काफी अच्छा सुधार मुझे इनकी लाइफ स्टैंडर्ड में नजर आ रहा है। और माइंड की लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, एक अच्छा मनी ट्रायंगल क्रिएट करने में हेल्प कर रही है, काफी शार्प माइंड इनका रहेगा। इस तरह की माइंड की लाइन का होना व्यक्ति को काफी क्लेवर बनाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचने वाले नहीं होते, डे ड्रीमर नहीं होते, बहुत ही प्रैक्टिकल रहते हैं, और यही चीजें इनकी माइंड की लाइन यहाँ पर दर्शा रही है। आगे आप देख सकते हैं इनकी लाइफ लाइन को, तो लाइफ लाइन पर आप देख सकते हैं कुछ हल्की स्ट्रेस की लाइंस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा कुछ इस तरह की स्ट्रेस लाइंस जो यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन को टच कर रही हैं या फिर लाइफ लाइन को क्रॉस कर रही हैं। तो यहाँ पर दो तरह की स्ट्रेस लाइंस हैं, जो टच करती हैं वो थोड़ा सा कम इफेक्ट करती हैं, लेकिन जो लाइन को क्रॉस कर जाती है या किसी न किसी तरह की दिक्कत लाइफ को जरूर देती है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फाइनेंस की प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 25 के आसपास की एज में यह जो रेखाएं हैं 20 से लेकर 25 के आसपास की एज में इन्हें थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज या फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकती हैं, जिनकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस इनके ऊपर रह सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रोग्रेस लाइंस भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं, जो ऊपर की तरफ बढ़ती हुई रेखाएं आप देख सकते हैं, इस तरह की रेखाएं यह लाइफ में प्रोग्रेस दिलवाती हैं। तो काफी सारी प्रोग्रेस लाइंस हैं जिसकी वजह से लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस यह कर पाएंगे। और अगर इनकी लाइफ लाइन की टोटल साइज को चेक किया जाए तो बेशक थोड़ी सी वीक है शुरू में लाइफ लाइन, लेकिन आगे चलकर यह स्ट्रांग हो रही है, और लगभग 75 के आसपास की एज को यह जो लाइन है दर्शा रही है। आप देख सकते हैं
कुछ इस साइज की लाइन है, बहुत ज्यादा लंबाई नहीं है, 75 के अराउंड एज रहने के चांसेस हैं, आगे भी बढ़ सकती है ये लाइन, क्योंकि हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही हमारी लाइंस जो हैं चेंज होती रहती हैं। अच्छे कर्म अगर हम करते हैं तो उस हिसाब से हमारी लाइंस की जो स्ट्रेंथ है वो और भी मजबूत हो जाती है और भी आगे तक लाइंस बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे चांसेस हैं, आगे चलकर यह लाइन और इंक्रीज हो जाती है तो और एज ज़्यादा लंबी हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेखा जो शुक्र एरिया से ऊपर की तरफ उठ रही है, कुछ इस तरह की रेखा, और आगे यहाँ पर भी एक आड़ी रेखा नजर आ रही है चंद्र एरिया के ऊपर। यह जो रेखाएं हैं यह ज्यादा डिजायरेबल नहीं रहती। इस तरह की रेखाएं व्यक्ति को एडिक्शंस दे सकती हैं या फिर किसी तरह की एलर्जीज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस तरह की लाइन अगर यह बिल्कुल जुड़ी हुई लाइन हो तो उसे वियल सीविया कहा जाता है, लेकिन अगर यह नहीं भी जुड़ी हुई तब भी इसका जो फल है वो वियल सीविया लाइन की तरह ही रहता है। शुक्र और चंद्र दोनों माउंट्स का आपस में किसी तरह से कनेक्शन अगर बनता है तो यह व्यक्ति को भोग विलास की चीजों की तरफ और लग्जरीज की तरफ, या यह कहें कि इस तरह की चीजें जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, जिस तरह से यहाँ पर किसी तरह का कोई नशा है, अल्कोहल है, चाहे वो स्मोकिंग है, कुछ इस तरह की चीजों की तरफ भी व्यक्ति का ध्यान जा सकता है और इस तरह की चीजों की लत भी लगने के चांसेस, यानी कि एडिक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर इस तरह की लाइंस हो। तो इन सब चीजों का भी इन्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी लाइफ में, क्योंकि शुक्र माउंट यहाँ पर अच्छा है और शुक्र माउंट का यहाँ पर अच्छा होना व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है लाइफ में। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखें तो चंद्र एरिया भी इनका अच्छा दिखाई दे रहा है, माइंड जो स्टेबल रहेगा, लेकिन यह आड़ी रेखा यहाँ पर कोई ना कोई एडिक्शन इन्हें लाइफ में दिलवा सकती है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।